आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धार जिले के मनावर में 25 दिसंबर 2021 को मनावर थाने के नजदीक बालीपुर क्षेत्र में दंपति के साथ सनसनीखेज लूट एवं महिला से छेड़छाड़ की घटना सहित दो अन्य लूट मारपीट की घटना के संदिग्ध आरोपियों को मनावर पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ाए आरोपियों से लूटा गया सामान, मंगलसूत्र, रुपए, कागज व चोरी की मोटरसाइकिल, जिनकी कुल कीमत 2,00,000 रुपए बताई जा रही है, जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पूरी घटना की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि दिनांक 25 दिसंबर को रात में 3 अज्ञात आरोपियों द्वारा मनावर के गुलाटी बालीपुर नहर रोड पर एक दंपति के साथ मारपीट कर महिला से छेड़छाड़ कर गले से सोने का मंगलसूत्र व आदमी की जेब में रखे रुपए व कागज लूट लिए। उसी रोड पर उक्त तीनों आरोपियों ने एक साइकिल से जा रहे व्यक्ति के साथ लूटपाट कर उसका मोबाइल में रुपए कागज लूट लिए थे। ग्राम बोरझरी के पास भी पैदल जा रहे दो व्यक्तियों से तीनों आरोपियों ने जान से मारने की नियत से मारपीट की थी, जिस पर फरियादियों की रिपोर्ट पर मनावर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर घटनाओं में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। तलाशी अभियान के दौरान मुखबिर तंत्र की सक्रियता से अनेक जगहों पर दबिश दी गई तथा मुखबिरों की बताए हुलिये के आधार पर संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल पर लूटपाट के इरादे से क्षेत्र में घूम रहे दोनों संदिग्धों को पकड़ा तथा सख्ती से पूछताछ में आरोपी अनिल पिता जोगड़ा दोडवे उम्र 21 साल निवासी ग्राम छोटी बिल्दरी व शिवा पिता राम सिंह वासकेल जाति भिलाला उम्र 20 साल निवासी कस्थली ने अपने साथी नानका पिता माल सिंह भील निवासी ग्राम पिपलदा के साथ मिलकर तीनों घटनाएं करना स्वीकारा, जिसके बाद आरोपियों से लूटे गए सामान, नकदी एवं चोरी की गई मोटरसाइकिल व कागजात जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी शिवा व उसका साथी पूर्व में भी चौकी बाकानेर क्षेत्र से मोबाइल चोरी के अपराध में फरार था, जिस पर 3,000 का इनाम भी घोषित था। पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को एक थाना मनावर में 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 लूट की घटनाएं और 1 मारपीट की घटना हुई थी। और पहली जो लूट की घटना हुई थी उसमें एक महिला के साथ अभद्रता भी की गई थी, जिस पर पुलिस ने 376 की FIR रजिस्टर की थी। और इस पूरे प्रकरण में हमारी टीम, जिसमें हमारे एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार, SDOP धीरज गब्बर, TI ब्रजेश मालवीय और उनके साथ हमारे जीराबाद चौकी प्रभारी गुलाब भेड़िया और क्राइम की टीम ने इसमें लगातार वर्क किया। और पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से एक नाबालिग है और 2 आरोपी अनिल और शिवा पुलिस की हिरासत में हैं। इनसे चोरी की एक मोटरसाइकिल R15 और इन तीनों घटनाओं में जो सामान गया था वो पुलिस ने रिकवर किया है। महिलाओं के साथ जाति भी की थी, एक घटना में महिला के साथ जाती हुई थी और उसमें भी पुलिस ने 376 और अन्य जो लूट की धाराएं हैं उनका इजाफा किया।